जिस तरह वल्लभी साहब ने, हम सदरे पाकिस्तान ने कह दिया जी आईएमएफ का बड़ा अच्छा पैकेज था, उसके साथ हमारे दोस्त ममालिक ने भी चंदा दे दिया है, हम तो भी सड़क पे फकीर बैठे हुए हैं। लोग आए, वो कहते हैं जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, अल्लाह दे ना दे कहना दे जो की फर्क। इंडिया देता आपको मैन पावर, इंडिया देता आपको टेक्नोलॉजी, इंडिया देता आपको आउटसोर्सिंग, इंडिया देता आपको सबसे बड़ा मार्केट। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और दुनिया के सामने बाढ़ के नाम पर भी इतने हाथ फैलाने के बावजूद कोई आर्थिक मदद करने को तैयार नहीं। ये सब देखकर पाकिस्तान का एक तबका ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि भारत ने कहाँ इन्वेस्ट किया और हमने कहाँ। भारत की IT सर्विस की पूरी दुनिया लोहा मानती है, जबकि पाकिस्तान जिहाद के नाम पर दूसरे मुल्कों से डॉलर लेते रहा। आज पाकिस्तान चाहकर भी उन जिहादियों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करने के लिए लाइन में खड़ी हुई है और हम एक एक डॉलर के लिए मोहताज हैं। वीडियो में देखें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट टुडे बोट थिंक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान पॉलिसी। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा, इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशन कोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशन कोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए और वो भारत है वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी जो कटे हासिल की थी, जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नऊज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान, और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद ये सियासत नहीं, जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा ले कि आप उस वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप इस तरीके से दहशत गर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी, आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं, अमेरिका के अंदर Fortune 500 कंपनीज के 60 CEOs जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद CEOs बताना चाहूंगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडएक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा, तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा पाकिस्तान, जिस तरह वल्लभी साहब ने, हम सदरे पाकिस्तान ने कह दिया जी IMF का बड़ा अच्छा पैकेज था, उसके साथ हमारे दोस्त ममालिक ने भी चंदा दे दिया है, हम तो भी सड़क पे फकीर बैठे हुए हैं। लोग आए, वो कहते हैं जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, अल्लाह दे ना दे कहना दे जो की फर्क। अब यूके के साथ, यूई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और करीब ये ट्रेड कुछ, यूई हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और ये ट्रेड आने वाले 10 सालों में इट विल क्रॉस $100 बिलियन, ये इसका रोड मैप है यूई के साथ। केवल कह रहा हूँ आपको बात, यहाँ हमारी इसराइल से रिलेशन तो बहुत पुरानी है, इसराइल से रिलेशन हमारी बहुत पुरानी है। अब तो अभी जनवरी में 30 साल हो गए हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को। ये वो इसराइल से हमने बहुत वेपन्स लिए, एक टाइम में इसराइल इंडिया का नंबर वन डिफेंस सप्लायर रह चुका काफी साल तक। अच्छा, अब फ्रांस को एक चीज पता, यूके को एक चीज पता, इसराइल को एक चीज पता, हमें करीब 125 जहाज फौरन से बेशतर खरीदने, जिसका करीब $20 बिलियन का बजट, 20 से 25 बिलियन का बजट हमने अलोकेट कर रखा है। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन साहब इंडिया आए थे, बोले यार हमसे FTA कर लो, और हमसे FTA कर लो दिवाली से पहले। यूरोपियन यूनियन की प्रेजिडेंट आई थी, वो कह रहे हमसे FTA कर लो, उससे भी पहले कर लो।
जर्मन कह रहे हैं हमसे एफटीए करो, और इसराइल से एफटीए की बातें शुरू हो रही है, और हो सकता है जल्दी इसराइल से एफटीए अनाउंस भी हो जाए। ओके, तो ये इसराइल से एफटीए की बातें अभी एज वी टॉक बातें जारी है, तो एफटीए हो सकता है हम जल्दी अनाउंस भी कर दें। अब ये जो पांच छह चीजें चल रही है, यहाँ कह देखिए फकर भाई, इंडिया देता आपको मैन पावर, इंडिया देता आपको टेक्नोलॉजी, इंडिया देता आपको आउटसोर्सिंग, इंडिया देता आपको सबसे बड़ा मार्केट। और जितना जितना चाइना के साथ, जो मैंने आपको पहले भी शो में बोला था, जितना जितना चाइना के साथ डिकपलिंग होगी, इंडिया विल बिकम अ नेचुरल ऑप्शन। तो हर कोई इंडिया के साथ कहीं ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ना चाहता है, और जुड़ना ऐसे चाहता है कि इंडिया का भी उनमें इंटरेस्ट हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।